नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। और जितने भी बच्चे हमारे 2000 स्टूडेंट्स के आसपास हमारी फैमिली हो गई है, तो मैं सबका आपका स्वागत करता हूं, तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सॉल्यूशन मैं आज बता देता हूँ। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जी क्वेश्चन पूरा लिखा करो, तो अभी बच्चे इतना टाइम नहीं है कि हम एक वीडियो में पांच ही क्वेश्चन करें, पूरा क्वेश्चन में लिखें। लेकिन आज आपके लिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपको इसी वीडियो के नीचे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको नीचे पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करवा दूंगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज शाम को आपको कम से कम 2 घंटे की लाइव क्लास रहेगी, तो उस लाइव क्लास के लिए आप सब तैयार रहना। वहाँ पर हम ज्योमेट्री करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज शाम के लिए तैयार रहना, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अगले 3 या 4 दिनों के अंदर अपना सिलेबस कवर कर लें। और कवर करेंगे, सिर्फ कोशिश ही नहीं, अगर आप साथ जुड़े रहे तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क आज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। अगर ये 2 वीडियो आप देख लेते हो टाइम एंड वर्क की, तो कोई भी क्वेश्चन आता है आपका बिल्कुल सही होगा एग्जाम में और आराम से आप कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम के आधे हिस्से को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 16 दिन में पूर्ण कर सकता है। ए और बी उसी काम को मिलकर कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? ए भाई आधा हिस्सा किसी काम का 12 दिन में करता है, कितने दिन में? 12 दिन में। तो ये कहूँ कि जी ये आधा हिस्सा किया है तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो पूरा काम हमें पता है कि जी दुगना समय लेगा अगर पूरा काम करेगा तो, अभी आधा किया है ना, तो ये पूरा काम 24 दिन में कर लेगा भाई। और बी पूरा काम कितने दिन में करता है भाई? तो 16 दिन में करता है। अब हमें ये बताना है कि दोनों मिल करके कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, जो हमारा टोटल वर्क होगा वो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क को डे से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आएगी? एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 2 आ जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि जी दोनों मिल करके कितने समय में कर लेंगे? तो आपको पता है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के? 5 काम कर रहे हैं। टोटल कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। तो 48 काम आपका टोटल है, एक दिन में 5 कर लेते हैं तो कितने दिन लगेंगे? ये आपके पास आ जाएगा 9×5=45 सही 3/5, ये क्या आ जाएंगे भी? दिन। इतने दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐसे सेकंडों में उड़ाएंगे, क्वेश्चन को टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। जो ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है और हमारे नहीं हो पाएंगे, वो क्वेश्चन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। 24 आदमी किसी काम को 17 दिन में करते हैं, इसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और काम पर लगाए जाएंगे? 24 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 17 दिन में कर रहे हैं, यानी 24 आदमी लगाए हमने और 17 दिन में काम किया, ये हमारा टोटल काम आ गया भाई, ठीक है। और यही काम यानी बराबर ही होगा काम तो, ठीक है। कितने आदमी लगाएं कि ये 12 दिन में हो जाए? तो हमारे पास दिन कितने हैं भाई? 12 हैं। और कितने आदमी? तो आदमियों को हमने मान लिया कि जी एक्स है। कितने आदमी और लगाएं ये पूछा है उसने, लेकिन हम टोटल आदमी निकाल लेते हैं एक बार कि यहाँ पर कितने टोटल आदमी लगेंगे। तो ये 12 दूनी भाई 24, तो एक्स की वैल्यू क्या आई भाई? 34। एक्स की वैल्यू क्या आई? 34 आई। पहले कितने थे भाई? पहले 24 आदमी काम कर रहे थे, 17 दिन में कर रहे थे, 12 दिन में करवाना है तो कितने आदमी चाहिएंगे? 34 आदमी चाहिएंगे। तो कितने आदमी और लगाने पड़े? तो 34 माइनस क्या कर देंगे भाई? 24, यानी 10 आदमी और लगाने पड़े थे, इस वजह से काम 12 दिन में हो गया, 10 आदमी और लगा दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं करना बच्चे। जैसे आपको मैथ में कोई भी स्टेटमेंट आती है, जैसे स्टेटमेंट कह रही है
वैसे वैसे करते चलो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एक चक्का एक मिनट में 15 बार घूमता है, 12 सेकंड में यह कितने डिग्री घूमेगा? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं भाई, यानी 60 सेकंड में कितना भाई 15 बार घूम जाता है, और एक बार में कितना डिग्री चल लेता है तो 360 डिग्री। तो 60 सेकंड में कितना चला है टोटल, ये सारा चलेगा, ठीक है? कितना चलेगा? 15 गुना में 360। अब मैं ये कहूं कि जी एक सेकंड में कितना चलेगा, तो 15 गुना में 360 बटे में 60, और हमें क्या निकालना है जी 12 सेकंड में कितना चलेगा, तो गुना में क्या कर देंगे, 12 की वैल्यू निकालनी है तो गुना 12 कर देंगे, ठीक है? तो ये कितने पर कटेगा भाई, 6 पर, 15 छक्के 90, 12 निम्मे भाई 108, तो 1080 डिग्री ये चलेगा, ठीक है? 1080 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और शाम की क्लास में भी सभी बच्चे लाइव ज़रूर आना। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सब बच्चे लाइव ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे और 2 घंटे में हम 2 क्वेश्चन आराम से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के भोजन का प्रावधान था, 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति दुर्ग छोड़ देते हैं, बाकी बचा भोजन कितने दिनों तक चलेगा? व्यक्ति कितने थे भाई? व्यक्ति आपके थे 150 व्यक्तियों का 45 दिन का भोजन था, कितने दिन का? 45 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद क्या करते हैं, 25 व्यक्ति किला छोड़कर यानी दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं। तो ये पूछता है कि जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा, वो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे कि जी 45 दिन का भोजन था 150 व्यक्तियों के लिए, लेकिन 10 दिन के बाद में क्या हुआ, 25 व्यक्ति चले गए, तो भाई कितने व्यक्ति बचे? 125 व्यक्ति बचे। अब 125 व्यक्ति खाएंगे ना भोजन, और भोजन कितना बचा, तो 45 दिन का 150 लोगों का था, 10 दिन तो खा करके गए ना सारे 150 के 150, तो कितने दिन बचा है, 35 दिन का भोजन है, और कितने लोगों के लिए, तो 150 लोगों के लिए ही भी काम चल जाता 35 दिन का भोजन, 150 लोग होते तो 35 दिन चलता ना, यानी ये आपका भोजन बचा हुआ है, और अब 125 व्यक्ति इसको कितने दिन में खाएंगे। ये दोनों बात आप बराबर रख दोगे कि जी इतना भोजन है और ये भी तो भोजन ही आएगा ना, जब व्यक्तियों को दिनों से गुना करोगे तो टोटल भोजन आ जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ से आप आंसर निकाल लो, ये भाई 30 पंजे होता है, ये 25 पंजे होता है, ठीक है? ये 5 छिके, ये 5 7 35, तो x बराबर क्या आया भाई, 42। तो अब ये भोजन बचा हुआ भोजन 125 व्यक्ति कितने दिन तक खाएंगे भाई, 42 दिन तक खाएंगे। अगर ये 150 व्यक्ति होते तो 35 ही दिन खा पाते। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाते हो तो आराम से क्वेश्चन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वो सी की मदद से इस कार्य को 4 दिन में कर लेते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये आपको बताना है। ए करता है जी 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और ये दोनों सी की मदद से यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 4 दिन में कर लेते हैं। तो अब आपको बताना है कि जी ये सी जो है अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम कितना आएगा भाई, तो एलसीएम आएगा आपका 48। कितना आएगा, 48। तो यहाँ से डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी आएगी, कितनी आएगी भाई, 16 3 48 होता है, तो यहाँ से एफिशिएंसी 1 ही 3 आ गई कार्य क्षमता।
बी की कितनी आ गई भी, चार आ गई, 48 को 12 से भाग करोगे, 12 चौके 48, और यहाँ से ए बी और सी तीनों की मिलकर के कितनी आई, तो 12 आ गई भी, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों की एफिशिएंसी है और ये ए और बी की एफिशिएंसी है। अगर आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता जो है वो 12 है, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या है भाई, तो 7 है, तो 7 प्लस सी क्या हो जाएगा, 12, और सी की वैल्यू क्या आएगी, 5। यानी सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है, उससे 48 काम करवाना है, एक दिन में 5 कर सकता है, तो कितने दिन लगेंगे, 48/5 दिन लगेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको सही बटे में दे रखा है तो 9×5=45, 3/5 दिन, ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, ये भी भाई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते रहना इनको, और एग्जाम में करके जाओगे तो आपके अच्छे नंबर ही आएंगे। ए किसी कार्य को करने में 18 दिन लेता है तथा बी उसी कार्य को करने में ए से आधा समय लेता है, ठीक है, तब एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उसी कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर लेंगे, ये बताना है। ए किसी कार्य को करने में भाई 18 दिन लेता है, बी उसी कार्य को करने में ए से आधा समय लेता है, कितना, आधा समय लेता है, तो आधा समय लेता है तो कितना लेगा भाई, 9, ठीक है, 9 लेगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण भाग होती हो, तो 18 दोनों संख्याओं से पूरा भाग होती है, और आप एफिशिएंसी निकालोगे दोनों की, तो 18 को 18 से भाग करोगे, यहाँ से आई भाई 1, और 9 को 18 को 9 से भाग करोगे तो यहाँ से कितनी आई भाई, 2 एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल यहाँ से एक दिन में काम कितना, तो 3 काम, और इसने क्या पूछा है कि एक दिन में वो दोनों मिलकर के कार्य का कितना भाग पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है। तो एक दिन में 3 काम करते हैं जी, टोटल काम कितना था, 18, तो कितना काम पूरा कर लेते हैं, 1/6 काम पूरा कर लेते हैं एक दिन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, कोई भी टाइप अगर आपका आया है तो एक भी टाइप हम छोड़ नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे टाइप हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। यह नियमित सप्ताह में, एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस हैं, यानी अगर सप्ताह में 7 दिन है तो 5 आपके काम करने के दिन हैं, तथा प्रत्येक दिन के लिए कार्य समय 8 घंटे है, यानी एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। एक व्यक्ति को नियमित कार्य के लिए 2.40 रुपये प्रति घंटा तथा ओवर टाइम के लिए 3.20 रुपये प्रति घंटा प्राप्त होते हैं। यदि वह 4 हफ्तों में 432 रुपये प्राप्त करता है तो उसने कितने घंटे तक काम किया है, यह आपको बताना। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सप्ताह दिया हुआ है भाई। तो 4 सप्ताह में आपको पता है कि जी एक सप्ताह में 5 काम के दिन है, तो टोटल काम के दिन कितने हुए भाई, तो टोटल काम के दिन 20 हो गए, और एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 20 दिन में 160 घंटे काम करेगा भाई, आप 20 को 8 से गुना करोगे 160 घंटे। ये 160 घंटे कौन से है, ये 160 घंटे जो इसका नियमित समय है वो है जिसके लिए उसको 2.40 रुपये पर हावर मिलते हैं, ठीक है। तो हमें कितना दिया हुआ है अभी, 432 रुपये वो कमाता है टोटल 4 सप्ताह में, 432 रुपये 4 सप्ताह में कमाता है। इसका मतलब क्या है कि जी 160 घंटे उसने जो नियत समय था उसका उसके लिए काम किया, तो यहाँ से कितने रुपए उसने कमा लिए, तो 160 को गुना करोगे 2.40 रुपये से, तो यहाँ पे भी 16×2=32, 320, 16×4=64, तो 300 कितना आया भाई, 84 रुपये यहाँ से उसने कमा लिए भाई, कितने, 384 रुपये यहाँ से उसने कमा लिए। बचे कितने,
384 कमाए हैं तो इसमें से घटा देंगे तो 48 रुपये ओवर टाइम करके कमाए होंगे भाई। 48 रुपये ओवर टाइम करके कमाए हैं और एक घंटे ओवर टाइम का रुपया कितना मिलता है, 3 रुपये 20 पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 3 रुपये 20 पैसे। तो 48 रुपये कितने घंटे में कमाए होंगे, टोटल 48 रुपये, एक घंटे में 3 रुपये 20 पैसे। तो इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 100 लगेगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा अभी, 16 दूनी 16 3 48, 16 दूनी 32, ये 5 पर कटेगा तो ये कितना आ जाएगा अभी, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। 160 घंटे पहले इसने पूछा है कि जी टोटल कितने घंटे काम किया होगा 432 रुपए कमाने के लिए, तो कितना काम किया होगा, तो इसने 15 घंटे यहाँ पर काम किया, 15 घंटे यहाँ काम किया और 160 घंटे यहाँ पर काम किया। 160 प्लस में 15 तो टोटल टाइम कितना हुआ, 175 घंटे इसने टोटल काम किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिपीट करके देख लेना बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है और दोबारा आने के भी बहुत चांसेस हैं। और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जी ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की समता सी की समता से दोगुनी है, ए और बी मिलकर के कितने दिन में भी, 12 दिन में, बी और सी मिलकर के 15 दिन में, ठीक है, काम को पूरा कर लेते हैं। ए की समता सी की समता से दोगुनी है, यानी एक अगर अकेला ए काम कर रहा है वो 2 सी के बराबर काम कर देता है भी, ठीक है। अगर ए एक घंटे में सी एक घंटे में एक काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है, 2 काम कर देता है, ये बात वो कह रहा है। अगर आपको ये सब कुछ दिया हुआ है तो बताना क्या है, तो बी को वही काम कर अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे वो बताना। यानी अगर आपको टोटल वर्क आपका यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपको बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता यानी एक दिन में काम करने की क्षमता पता चल जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क यहाँ से एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और एलसीएम 60 आ गया आपका, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल लोगे, 60 बटे में 12 करोगे 5 और 60 बटे में 15 करोगे तो 4। यानी ए प्लस बी क्या आया आपका, ए प्लस बी 5 आ गया भाई, और बी प्लस सी क्या आया भाई, तो ये 4 आ गया भाई। अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूँ तो B से तो B कट जाएगा भाई, यानी A माइनस सी क्या आएगा, ये 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जी A इज इक्वल टू 2C है, तो A की वैल्यू रख देता हूँ, 2C माइनस सी 1, यानी C की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी रखी थी ना हमने बराबर में, तो यहाँ भी एफिशिएंसी आएगी। C की एफिशिएंसी कितनी हुई, 1 आ गई भी C की एफिशिएंसी। अगर 1 आ गई और अब मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, किस किस को, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, तो बराबर में क्या आएगा भी एफिशिएंसी, टोटल 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ए प्लस 2B प्लस सी बराबर कितना हुआ, 9 हो गया। सी की एफिशिएंसी हमें पता है, तो बी और आपको बी की निकालनी है ना, तो हम पूरी टर्म को किस में ले आएंगे, बी और सी में ले आएंगे। तो हमें पता है कि जी a इज इक्वल टू 2c होता है, तो 2c प्लस 2b प्लस c बराबर 9, यानी 2b प्लस 3c बराबर 9 आ जाएगा। और c की एफिशिएंसी कितनी है, तो 1 है, तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 9 और 2b इज इक्वल टू उधर लेकर के जाएंगे माइनस होगा 6, b की एफिशिएंसी कितनी आई भाई, 3 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आ गई। टोटल वर्क आपके पास कितना है, 60 है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है, तो दिन कितने आ जाएंगे भाई, 20 दिन आ जाएंगे। टोटल दिन कितने आएंगे, तो 20 दिन हो जाएंगे। बच्चे आपके पास आज 12 तारीख हो गई है, तो आपके पास 8 दिन बचे हैं।
तो अच्छे से तैयारी कीजिए इन एग्ज़ाम्स की, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 8 दिन वो आपको, वो दिन है ये जो आपको जॉब दिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा भाई। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करना भाई, आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी कमी आपको लगे तो वो भी आप बता सकते हो, हम दूर करने की कोशिश करेंगे बच्चे। एक्स वाई और जेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर एक कार्य को 1105 रुपये में, 1105 रुपये लेते हैं भाई वो किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों, और एक्स वाई और जेड अकेले इस कार्य को क्रमशः 7, 8 और 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स का भाग, एक्स का हिस्सा बताना है इसमें से। तो एक्स वाई और जेड कितने कितने दिन में, 7, 8 और 11, इतने दिनों में काम कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर उनके पैसे दिए हुए हों कि जी वो इतने पैसे कमाते हैं, तो उनको डिवाइड कैसे करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं बच्चे उनकी कार्य क्षमता में, यानी उनकी एफिशिएंसी के रेशो में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। अगर आपको ये एलसीएम बहुत बड़ा लग रहा है तो आप क्या करो, आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 7 × 8 × 11, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भाई। 2 ये प्राइम नंबर है और ये भी यहाँ पर इसमें कोई कॉमन नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया। आपको एफिशिएंसी चाहिए ना, एफिशिएंसी यानी पर डे वर्क चाहिए। तो एक्स कितना करता है, तो इस पूरे को 7 से भाग करेंगे, बचेगा कितना 88, तो 88 करता है अभी। और वाई कितना करता है, तो इस पूरे को 8 से भाग करेंगे तो कितना बचा भाई, 77 बचा। और इस पूरे को 11 से भाग करेंगे तो 7 × 8 = 56 बचा। ये इनका क्या है भाई, एफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता पर डे आ गई। इनको हम ऐड कर लेंगे, कितना होगा भाई, तो 8 और 7 भाई 15 और 6 = 21, हासिल 2, 10, 7, 17 और 5 = 22, तो कितना आया भाई 221 आ गया। कितना आ गया, 221 यहाँ से टोटल आ रहा है, और आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, 1105 मिल रहे हैं इन तीनों को। तो आप एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर रेशो में तो इतने मिलने चाहिए थे क्योंकि कार्य क्षमता ये है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ गई। आपको किसका हिस्सा चाहिए भाई, एक्स का हिस्सा चाहिए, तो एक्स का हिस्सा कितना है यहाँ पर, 88 है भाई, तो 88 से गुना कर देंगे, ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो कितने पर कटेगा भाई, ये 5 पर कटेगा, क्योंकि 21 × 5 = 105 होता है और 205 × 1000 होता है, तो 5 पर कटा, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 440 रुपये एक्स का क्या आ गया भाई, हिस्सा आ गया, कि एक्स कितने रुपये लेगा इसमें से, 440 लेगा। अगर आपको वाई का हिस्सा निकालना है तो यहाँ 77 से गुना कर देते, अगर आपको जेड का हिस्सा निकालना है तो यहाँ 56 से गुना कर देते, आपको आंसर मिल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जरूर ध्यान से देखना इसको। और जब भी मजदूरी दी हुई होती है तो उसको कार्य क्षमता में डिवाइड करते हैं। अगर 3 मजदूरों को इकट्ठी मजदूरी दे दी जाए तो वो क्या करेंगे, उन्होंने कितना बल लगाया है यानी कार्य करने में। अगर अलग अलग दिन काम किया है तो उसके हिसाब से उनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से कार्य क्षमता और टाइम में कैसे रिलेशन होता है। ए अगर 3 दिन में काम कर रहा है, बी अगर 4 दिन में काम कर रहा है, तो हम एलसीएम क्या लेंगे भी, एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम आएगा हमारा। तो यहाँ से जब एफिशिएंसी निकालोगे, कार्य क्षमता निकालोगे, तो क्या आएगी भाई, यहाँ से निकाला आपने भाग किया 4 आ गई, यहाँ से निकाला भाग किया 3 आ गई। ये क्या है, ए का जब कितने दिन ले रहा है, समय का उल्टा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। जितना समय बी ले रहा था वो ए की एफिशिएंसी हो गई, और जितना समय ए ले रहा था वो बी की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो समय और कार्य क्षमता में जो रिलेशन होता है, अगर आपको समय दे रखा है कि जी ए रेशो बी समय क्या लेते हैं, 3:4 ले रहे हैं, तो आप एफिशिएंसी क्या निकालोगे, कार्य क्षमता 4:3 हो जाएगी। ये होती है, उल्टा हो जाता है भाई।
समय कार्य क्षमता के उल्टा होता है और कार्य क्षमता समय के उल्टे हो जाती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए बी और सी दोनों द्वारा मिलकर लिए गए समय के बराबर समय लेता है, ठीक है। बी और सी जितना समय लेंगे मिलकर के उतना ही समय क्या लेगा भाई, ए लेगा, ठीक है। यानी बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है किसकी, ए की। बी और सी दोनों मिलकर के अगर एक दिन में दो काम करते हैं तो ए अकेला दो काम कर लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है, बराबर समय लेता है ए और बी, यानी इनके समय का अगर मैं रेशो देखूं तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। और अगर समय का रेशो 1:1 है तो आपका कार्य क्षमता का रेशो क्या आएगा, कार्य क्षमता का रेशो भी 1:1 होगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला इस काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर के 25 दिन में कर सकते हैं भाई, और सी अकेला 35 दिन में कर सकता है। तो हमारा एलसीएम क्या आया भाई, एलसीएम यहाँ से कितना आएगा, तो एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 175, क्योंकि 5 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 7 × 5 = 35, 5 = 175 होता है, ठीक है। और यहाँ से एफिशिएंसी हम निकालें तो एफिशिएंसी क्या होगी भाई, तो ये 25 × 7 = 175 होता है और 35 × 5 = 175 होता है। तो इसकी एफिशिएंसी दोनों की कितनी आई, 7, और इन इसकी अकेले की 5 आ गई भाई, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपको पता है कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है भाई तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 12 है, एक दिन में 12 काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर रेशो क्या दिया हुआ है एफिशिएंसी का जी, 1:1 में, यानी ए और बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी का रेशो 1:1 है। तो अगर मैं इसको हाफ हाफ करूँ किसके बीच में, ए और बी प्लस सी के बीच में, तो कितना होगा भाई, इसका हाफ करें तो 6 आएगा, यानी 6 एफिशिएंसी किसकी थी, ए के थी, और 6 इन दोनों की मिला करके थी, ठीक है। यहाँ पर इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है कि जी बी अकेला कितने दिन में काम कर लेगा, तो इन दोनों की 6 है भाई, और सी की अकेले की कितनी है, 5 है, सी की अकेले की कितनी है, 5 है, तो इसकी कितनी बची हुई है एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी, इसकी 5 होगी, और इसकी 6 होगी। अब सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही होंगी, यहाँ पर इसकी 6 है, इसकी 1 है, तो टोटल कितनी हुई, 7 हुई, इस अकेले की कितनी है, 5 है, ठीक है। तो अब जिससे भी काम करवाने का पूछे आप बता सकते हो कि जी 175 हमें काम करना है, और बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी तो एक दिन में एक ही काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे, 175 दिन लगेंगे। अगर ए अकेला पूछा होता कि कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला पूछ लेता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 175 काम करना है जी, और बटे में क्या होगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, ठीक है भाई। और इसका आंसर क्या होगा, 175 / 6 दिन, ठीक है। और सी का अगर निकालना होता तो सी तो हम यहाँ से सीधा 5 दे ही रखा है, 5 एफिशिएंसी हमारी आ ही रही है, तो हम सीधा 5 से डिवाइड करते और हमारा आंसर आ जाता। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए बी से 20% कम कार्य करता है, ए बी से 20% कम कार्य करता है भाई शाम को। भाई जो भी आपकी लाइव क्लास होगी उसके अंदर स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप भी आंसर करना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और स्क्रीन पे लग जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। ए बी से 20% कम कार्य करता है, यदि ए किसी कार्य को 7 / 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है कि जी ए जो है वो बी से 20% कम कार्य करता है, यानी ये 100 करता है तो ये 80 करता है, रेशो हम निकालें तो कितना होगा, 4:5, यानी ये 1 घंटे में 5 काम करता है तो ये कितना करता है, 4 ही करता है। तो ए किसी कार्य को 7.5 यानी 7 / 1/2 घंटे में कर लेता है,
तो ये एक घंटे में चार काम करता है, और काम कितना कितने घंटे में कर लेता है, तो 7 से 1/2 कितना होता है अभी 15/2 घंटे। तो ये क्या आ गया आपका टोटल काम आ गया। और यह पूछा है कि जी ये काम बी कितने समय में पूरा करेगा, तो बी एक घंटे में कितना काम कर देता है, तो ये 5 काम कर लेता है। तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल काम को पर डे वर्क से। आपको पहले ही कैलकुलेशन करके वो निकाल के फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर लिखते चलो, आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो ये यहाँ से क्या आया अभी 4 × 15, और ये 2 भी नीचे चला जाएगा और 5 नीचे था ही, तो ये 2 पर कटेगा और ये 3 पर कटेगा। तो 3 × 2 = 6 दिन, यानी कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में बी अकेला इस काम को कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और शाम की क्लास में आना मत भूलना। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और लॉगरिथम पढ़ेंगे। तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आएंगे। तो शाम को तैयार रहना लाइव क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए।